नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। टेट का पेपर लीक होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर हर प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक करा रही है ताकि युवाओं को नौकरी न देनी पड़े। पट्टी विधानसभा क्षेत्र के रामकोला गांव में रविवार को एक शादी समारोह में आए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक करने वालों का पूरा संबंध भाजपा से है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, इसीलिए सारे पेपर लीक करा रही है। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बाबा ने लैपटॉप देने को कहा था, 4.5 साल हो गए लेकिन अब तक किसी को नहीं मिला। लैपटॉप इसीलिए नहीं मिला क्योंकि बाबा इसे चलाना नहीं जानते, जबकि सपा सरकार में दिए गए लैपटॉप अभी भी चल रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने और 15 लाख रुपए खाते में आने की बात कहने वाले भाजपाई जब जीप चाट कर किसानों की हत्या कर रहे हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में सामने से गोली चलाई थी और इस सरकार में शामिल लोग पीछे से हत्या कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सपा के लोग अन्याय करने वालों को चिन्हित कर लें। अन्याय करने वाले लोग कुछ आज सपा का चक्कर लगाने लगे हैं क्योंकि हवा सपा के पक्ष में है। ऐसे लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा। कार्यकर्ता वोटर लिस्ट भी चेक कर लें। प्रतापगढ़ लाइव टीवी एक्सप्रेस से संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। पेपर आउट हो गया, ये कैसी सरकार है? ये देखो कैसी सरकार है, ये लीक कराती है पेपर, लीकेज वाली सरकार है। इस सरकार में जाने कितनी लीक है, लीक सरकार है, लीकेज। हर पेपर लीक हो रहा है इनका, हर पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक करने वाली जांच कौन? एसआईटी। ये सब एसआईटी पे जांच, जितने भी पेपर लीक हुए सब एसआईटी। और इसीलिए लीक हो रहे हैं क्योंकि लीक करने वालों का पूरा संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहते। और समाजवादियों ने बहुत एम्बुलेंस भी दी, 100 एम्बुलेंस में ठीक नहीं थी समाजवादी सरकार की, 108 102 एम्बुलेंस अस्पताल बनवाए। हमें याद है प्रतापगढ़ की राजनीति, यहाँ पर है वो कांग्रेस मंत्री जी, मुझे याद है यहाँ की राजनीति। एक ट्रॉमा सेंटर 3 देने पड़े, 3-3 ट्रॉमा सेंटर देने पड़े। बड़े लोग थे सरकार में, बड़ा रुतबा था, लेकिन